वेलकम बैक टू चैनल गाइस, स्वागत करता हूं आपका एक और नया वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और मैं आप थंबनेल देख के पता ही कर लिए होंगे कि आज मैं आपको सिर्फ 2 रुपए में बताऊंगा कि अपनी बाइक को कैसे न्यू करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी HF डीलक्स है, बहुत ही गंदी कंडीशन में है। तो दोस्तों, इसे मैं अभी जो है एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा जो आपको पता आएगा, और अच्छा लगे वीडियो को तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रोसेसिंग है, इसको गाड़ी को हम धो लें अपनी पानी से और थोड़ी कम पानी का यूज करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अच्छे से हमें गंदगी को निकाल देना है और जो भी मट्टी फंसी हुई है उसे हमें पहले सबसे पहले निकाल लेना है। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस है, सब आप लोग भी ऐसे करिएगा। और तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 रुपए ही आपको खर्च करनी होगी। सबसे पहले आप इस शैम्पू को आप एक कपड़े में लें जो कि गाड़ी पोंछने की काम आती है, उसे धो लें और उसे एक कपड़े में शैम्पू लगा लें। और शैम्पू लेने के बाद आप जो है बस सिंपल सा दोस्तों गाड़ी पे शैम्पू को आप अप्लाई करिए और अच्छे तरीका से आप उसको लगड़ के, मतलब कि जो है उसको अप्लाई करने के बाद आप जो है इसको आप देख सकते हैं, मैंने भी अपने बाइक पे अप्लाई किया है। और अब इसे बस अच्छी तरह से अब इसे धो लेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हर जगह अच्छी तरह से इसे मैंने अप्लाई किया है, जो कि दिख रही है आपको भी इस वीडियो में। आप बस अब जो है दोस्तों, हम लोग अब इसे पानी मार के इसे धोएंगे। और जो कि इसकी कलर है और जो लाइट है, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिगार्डिंग नहीं है कि आप कोई भी ये शैम्पू लें, चाहे कोई पर्टिकुलर नाम ले सकते हैं, आप कोई भी शैम्पू से यूज कर सकते हैं 1 रुपये वाली ही। तो दोस्तों, बस पानी लेके अब बाइक को हम लोग धोएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी उस बाइक को धो रहा हूँ, और इसे अच्छी तरह से धो लें, जो कि जितनी भी आपने ये शैम्पू लगाई है वो अच्छी तरह से धुल जाए। और जो फिर लाइटिंग जो है ये बाइक की, आपको लाइटिंग बेखूबी जो न्यू जैसी थी वो ऐसी आ जाए। ठीक है दोस्तों, एंजॉय करिए वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस गाड़ी को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद मैंने इसे सिंगल स्टैंड में आप लगा लें। सिंगल स्टैंड के लगाने के ये दो बेनिफिट है, ये बेनिफिट ये है कि आप बाइक की पानी जितनी भी होगी वो सारी पानी जो है आपकी गिर जाएगी और सूख भी जाएगी। इसे बस सूखने दें, और अगर आपको जल्दी है तो आप सूखे कपड़े से इसे पोंछ सकते हैं, जो कि अगर आपको जल्दी है तो, अगर नहीं भी है तो फिर भी इसे 5-10 मिनट रखें, 10 मिनट में ये ठीक हो जाएगी। इसकी यही प्रोसेस है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1 रुपया वाली दो ले आइएगा आपसे, मतलब कि तेल, जो कि इसको बजाज आमंड ऑयल तेल आती है, नारियल तेल हालांकि आप इसे कह सकते हैं, सिर्फ नारियल तेल लगाएं तो नारियल तेल बेहतरीन लगेगी इसमें। आप जैसा कि आप देखिएगा, मैं आपको इसकी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्रोसेस है कैसे बाइक पे इसे अप्लाई करनी है, और मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले आप सूखा कपड़ा लेने के बाद एक तेल को लगा लें। अगर आपकी बाइक में अगर एक तेल लगती है, चाहे दो तेल लगती है, ये आप देख सकते हैं। एक तेल मैंने दोनों तेल अप्लाई किया था। पहले मैं एक तेल लगा करके एक पाउच की जो तेल आती है उसे मैं अच्छी तरह से पहले इसमें लगा लिया, कपड़े में, अच्छी कपड़ी और सूखा कपड़ा में लगा लिया। और उसके बाद मैंने, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप जो है
कैसे ही इस बाइक को बस 2 रुपये में ही और अच्छी तरीके से 10 मिनट में आप अपनी बाइक को न्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस पर अप्लाई किया, अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब ये जो रिजल्ट है और वो छुपा हुआ नहीं है किसी से, इसकी लाइटिंग और इसकी जो कंडीशन है पहले से भी सुधर गई है। और ये जो लाइट है दोस्तों बखूबी आप मेरी बात मानिएगा तो ये अच्छी तरह से रहेगी। और जब तक आप बाइक को आप पोंछते रहेंगे अच्छे से, अगर रोज आप अपने बाइक को अगर नहीं भी पोंछ सकते हैं तो वीकली अगर आप अपनी बाइक को अगर पोंछ लेते हैं तो इसकी चमक बरकरार रहेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी चमक और इसकी जितनी भी न्यू जैसी जो शोरूम कंडीशन जिसको कहें, ये देख लीजिए आप कैसे इसमें थोड़ा से पानी की दाग थी। अब मैंने इसे लगाया तो देख लीजिए इसकी लाइटिंग और इसकी जितनी भी कंडीशन है वो अच्छी तरह से इसमें दिख रही है आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और कोई भी बाइक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करें और कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी रिजल्ट आपके सामने है, और अगर इस वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशनली वीडियो अगर आपको लगती है कि नहीं इस वीडियो से आप सीखें तो एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना जैसे कि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, ये मेरी विनती है। और वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो मेरी यही कामना है कि आप एक कमेंट जरूर करना, इस कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, आपकी दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।